सभी संत महात्माओं को, सभी सत्संग प्रेमी को, ग्रामवासियों को कांदास की ओर से अभिनंदन शब्दों से सभी का स्वागत है। आपको एक विशेष सूचना है कि आप सभी सज्जन कैमरे की नजर में हैं। इस बात का ध्यान रखना, कैमरे में कितने हैं? 3 हैं। 2 कैमरे कृत्रिम है और 1 परमपिता परमेश्वर का वो अदृश्य कैमरा है। आप उसकी नजर में हैं। कोई भी काम कर रहे हो आप उसके अंदर फील हो, इसलिए आपको सावधान रहना। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि श्रीमान जी का नाम मैं नहीं जानता हूं। वे आज से 10-11 रोज पहले आपका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन प्रकृति का नियम है, आया है उसको जाना। रहीम कैसे रोइए हसे कौन विचार, गया सो आवे नहीं है सो जाव रहा। गया वो वापिस नहीं आएंगे, है उनको जाना है। मात पिता गुरु पूज लो, सदा रहो अधीन, मन में निश्चय ठान लो यही देवता है। मात पिता और गुरु, ये 3 मुख्य देवता है। देवता किसको कहते हैं? जो अपने को कुछ देते हैं उनको देवता कहते हैं। मात पिता ने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, अपने को अच्छे संस्कार दिए हैं। गुरु महाराज ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, इसलिए पूजनीय है। मां, महात्मा और परमात्मा, ये जीवन में विशेष है। मां बचपन को स्वार्थी है, महात्मा जवानी के अंदर पागल बनाता है, तो सत्य उपदेश देकर के उसको सही मार्ग पे लाते हैं। परमात्मा पल पल में स्वार्थी है। ये महापुरुषों का सत्संग है। सत्संग क्या है? जिसमें अपने पाप कर्म धुल जाते हैं उसको सत्संग कहते हैं। इसको तीर्थ का भी रूप दिया है। तीर्थ वही जो पापों से तारी, जिसमें अपने पाप धुल जाए उसको तीर्थ कहते हैं। जो भाव सागर से तार दे उसको तीर्थ कहते हैं। तारने वाले को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ वही जो पापों से तारे, तो पाप क्या है? पाप वही मन बद्धे विकार, मन की मलिनता है, वो अपने पाप कर्म है। सो सत्संग तीर्थ है सत्य दुर्गन नाशन लागे नहीं। ये सत्संग है, ये सच्चा तीर्थ है। इसमें अपने पाप कर्मों का दुर्गुणों का नाश होते टाइम नहीं। 2 बात को याद रखना है, 2 बात को भूल जाना है और 2 बात से सावधान रहना है। परमात्मा को, मौत को हमेशा याद रखना है। मौत एक दिन आएगी, परमात्मा भी है, ये अटल सत्य है। 2 बात को भूलना, जिसने आपने कोई अच्छा काम कर दिया, भला काम कर दिया, उसको भूल जाओ, और आपका किसने बुरा कर दिया उसको भी भूल जाओ। 2 चीज से सावधान रहना है, एक मोड़ से और एक मरोड़ से। घनकराग सल्टिया जी का के तो मोड़ में सल्टिया है के मरोड़ में सल्टिया है। इस सावधान रहना है। आदमी के 4 पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ
ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति क्यों? 84 लाख योनि है इस सृष्टि के अंदर, ये मनुष्य को इस सृष्टि का सरताज बनाया है, राजा बनाया है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करनी है। दूसरी क्या है? भाईचारा, प्रेम भाव से रहना है। तीसरा, इस मातृभूमि के अपन ऋणी हैं, इस पे जन्म लिया है, इस धरती के ऋणी हैं, इसको देशभक्ति कहते हैं। जिस धरती में जन्म लिया उसका ऋण हम पर भारी है, जिस मिट्टी में खेले कूदे उसकी बहुत उधारी है। जननी जन्म भूमि वसुंधरा, ये प्राणों से प्यारी है, देश जाति की सेवाई सबसे बड़ा पुजारी है। तन से मन से धन से भाई, इस जननी का सत्कार करो, मनुज मनुज में भेद नहीं, प्रेम भरा व्यवहार करो, किसी पुण्य से नर्तन पाया सबसे शिष्टाचार करो, भरके भाव हृदय में उत्तम, जन जन पे उपकार करो, छोड़ चलो पचंद्राभर, याद आपकी बनी रहे, दो दिन को दुनिया में आए फिर पतावा नहीं रहे, फिर पतावा नहीं। और चौथा है, सृष्टि के संचालक में सेवक। अभी हमारे सांगलिया धुड़ी के उपासक भवनलाल जी, धनकोली निवासी आप विद्वान है, आपके द्वारा 5 मंगलाचरण किए, बहुत ही विद्वान है आप, सांगलिया धुड़ी के प्रसिद्ध। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सबको सत सत नमन करता हूँ। अभी आगे के प्रोग्राम जारी रहेगा, अभी अंजीन धन्य है, दो दो वजनों का कार्यक्रम चालू रखिए।